जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डेली लाइफ में इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने में भी प्रॉब्लम आती है और वो अपने आप को बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ, तो आप इनको पढ़िएगा, इनको याद कीजिएगा और आपको ये इंग्लिश स्पीकिंग में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये जो डेली यूज के सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बताए जाएंगे कि किस तरह से उनको हिंदी और इंग्लिश में बोला जाता है। आप इसमें एक चीज कॉमन देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द सेंटेंस है दे आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ध्यान से सुनिएगा, ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट हिडन होता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे और सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, जैसे वहां जाओ, गो अवे। इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं है बट सब्जेक्ट हिडन होता है, जैसे यू होता है इसमें मेनली सब्जेक्ट, बट दैट इज नॉट विजिबल। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही सेंटेंस शुरू करना है अपना। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस की मैं बात कर रही हूँ, सारे सेंटेंसेस ही ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे भी है जो सब्जेक्ट के साथ भी होंगे। तो अब आज आपको कुछ सेंटेंसेस मैं नोट डाउन करवाऊंगी, आप इनको नोट कीजिएगा और इनको कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अपने डेली लाइफ में यूज करने के लिए। हमारा पहला सेंटेंस है बिस्तर बिछा दो। बिस्तर को हम बोलते हैं बेड, मेक द बेड प्लीज। तो यहाँ हमारा सेंटेंस आपने देखा शुरू हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। उसके बाद तकल्लुफ ना करो या परेशान मत हो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तो डोंट स्टैंड अपॉन सेरेमनी, डोंट स्टैंड अपॉन सेरेमनी। थर्ड वन इज सुई में धागा डाल दो, थ्रेड द नीडल। बाएं हाथ चलो, कीप टू द लेफ्ट, और अगर दाएं हाथ चलो तो क्या हो जाएगा, कीप टू द राइट। तोलिया निचोड़ दो, तो निचोड़ने की होती है रिंग, डब्ल्यू आर आई एन जी, रिंग आउट द टॉप। नेक्स्ट वन इज बूट के तस्मे खोल लो और आराम से बैठ जाओ। तो तस्मे यहाँ पर आप सोचेंगे तो नया ही वर्ड है, तो ये जो शूज के आपके लेसेस होते हैं उनको बोलते हैं तस्मे। तो अनलेस योर शूज एंड सिट एट ईज, आराम से बैठना, आराम महसूस करना, ये होता है एट ईज। जाओ मजे करो, गो एंड एंजॉय योर सेल्फ। उसके बाद नींबू निचोड़ दो, निचोड़ने को स्क्वीज बोलते हैं। अब ये देखिएगा, दो निचोड़ने के लिए दो बार अलग अलग वर्ड्स यूज हुए हैं। नींबू निचोड़ने के लिए हमने स्क्वीज यूज किया, जबकि तौलिया निचोड़ने के लिए रिंग का यूज हुआ। तो कपड़े निचोड़ने की बात आएगी तो डब्ल्यू आर आई एन जी लगाएंगे, और अगर नींबू संतरा वगैरह की होगी तो वहां पर स्क्वीज, एस क्यू यू डबल ई जेड ई, स्क्वीज द लेमन। आंखों से दूर हो जाओ, बज ऑफ और गेट अवे, बज ऑफ और गेट अवे। काम से जी मत चुराओ, डोंट शर्क वर्क, एस एच आई आर के, शर्क होता है काम से जी चुराना। 5 बजे का अलार्म लगा दो, सेट द अलार्म एट 5। अब आगे और देखिएगा ऐसे ही, जेब कतरों से बचो, बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स होता है जेब कतरे। अपने काम से काम रखो, तो माइंड योर ओन बिजनेस। अतिथियों के हाथ धुला दो, अतिथियों को बोलते हैं गेस्ट, तो हेल्प द गेस्ट वॉश देयर हैंड्स। इसमें बच्चे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, हेल्प द गेस्ट टू लगा देते हैं, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, डायरेक्ट वॉश ही रहेगा। उसके बाद अपने नाखून काट लो, पेयर योर नेल्स। पेयर की स्पेलिंग पी ए आई आर नहीं होगी, पी ए आर ई, पेयर योर नेल्स। अपना लेख सवारो, इम्प्रूव योर हैंड, हैंड राइटिंग नहीं लिखना है, ओनली हैंड यू विल राइट। साफ साफ लिखो, घसीटे मत मारो, जैसे मोस्टली बच्चे बहुत गंदी हैंडराइटिंग लिखते हैं, जल्दबाजी में लिखते हैं, तो ये पर्टिकुलरली उनको हम बोलते हैं। तो साफ साफ लिखो इसको बोलते हैं राइट लेजिबली, और घसीटे मत मारो, घसीटे को बोलते हैं स्क्रिबल, डोंट स्क्रिबल। फर्श पर मत थूको, जैसा कि आजकल गवर्नमेंट ने भी फाइन कर दिया है पब्लिक प्लेसेस पर थूकने के लिए, तो थूकने को वैसे बोलते हैं स्पिट, तो डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। जबान बंद करो, शट अप। मेरा हाथ छोड़ दो, लेट गो माई हैंड, या मुझे जाने दो, लेट मी गो। पेंसिल से मत लिखो, डू नॉट राइट इन पेंसिल होगा, पेन से मत लिखो, डू नॉट राइट इन इंक होगा वहां पर। तो और आगे देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस इज नंगे पाओ मत चलो,
तो नंगे पांव को बोलते हैं बेयर फुट, डोंट वॉक बेयर फुटेड, इधर उधर की मत हाको, मतलब इधर उधर की बातें मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश। उसके बाद नेक्स्ट है बालों को कंघी करो, तो बालों कंघी करने को बोलते कॉम्ब, कॉम्ब द हेयर, और ये हेयर प्लूरल में भी हेयर ही रहता है, हेयर्स कभी नहीं होता है। मेरा सिर मत खाओ, डोंट बोदर मी, या मेरा सिर मत खाओ या मुझे परेशान मत करो, एक ही बात होती है, डोंट बोदर मी। उसे अपने भाग्य पर छोड़ दो, लीव हिम टू हिज फेट, फेट होता है भाग्य, इट इन गोड एंड डू द राइट। नेक्स्ट वन इज मैं उसकी चालाकी ताड़ गया, आई सॉ थ्रो हिज ट्रिक, थ्रो की स्पेलिंग टी एच आर ओ यू जी एस यहाँ पे यूज करनी है। वहां क्या हो रहा है, व्हाट्सअप देयर, आपका क्या हाल है, बहुत ही कॉमनली यूज सेंटेंस, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछा जाता है, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो समझ नहीं पाते आपका क्या हाल है या आप कैसे हैं, तो हाउ आर यू या हाउ डू यू डू, और इसका आपको क्या जवाब देना होता है, मैं अच्छा हूं या मैं अच्छी हूं, आई एम फाइन। वह आपकी क्या लगती है या वह आपका क्या लगता है, तो व्हाट इज शी टू यू और व्हाट इज ही टू यू, हम अच्छे दोस्त रहे हैं। वैसे इसके सेंटेंस के एंड में है आया हुआ है, बट ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस है, वी हैड बीन गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर हैड का यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज वह सूख कर काटा हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा वीक हो गई है, उसके लिए यूज किया गया है ये, तो शी हैज रिड्यूस्ड टू ए स्केलेटन, मैं दुविधा में हूं कि क्या करूं, तो आई एम इन ए फिक्स व्हाट टू डू, या इसको अगर और शॉर्टन करें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम इन डायलेमा। तो ये सेंटेंस है, आगे और देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी उससे बोलचाल नहीं है, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। नेक्स्ट वन, उसकी जान में जान आई, ही हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, टू हीव ए साई ऑफ रिलीफ का मतलब चैन की सांस लेना भी होता है। जैसे यह पुस्तक हाथों हाथ बिक रही है, हाथों हाथ का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब बहुत अच्छी इसकी बिक्री हो रही है, दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, इस बात की नगर में चर्चा है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर कोई बात अगर हो रही है तो उसके लिए ये यूज किया गया है। दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन, आपके पिताजी क्या काम करते हैं, व्हाट इज योर फादर, प्रतिदिन हालात खराब हो रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाई डे, लिखने में गलती हो गई है, दिस इज ओनली ए स्लिप ऑफ पेन, मेरा सर चकरा रहा है, आई एम फीलिंग गिडी, वह अपनी बात का पक्का है, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, मैं नखरे नहीं करता हूँ, आई डू नॉट गिव माई सेल्फ एयर्स, ए आई आर एस, मैच बराबर का रहा, द मैच एंडेड इन ए ड्रॉ। नेक्स्ट वन इज यह मकान किराए के लिए खाली है, तो किराए के लिए होता है टू लेट, दिस हाउस इज टू लेट। नेक्स्ट वन, यह मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत क्या होता है, बना बना कर की हुई, तो इट इज ए कॉक एंड बुल स्टोरी, हर चीज लिखित में होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये लिखित का मतलब यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट यूज होगा। यहाँ पर गर्मी पूरे जोरों पर है, मतलब फुल पूरे जोरों के लिए यूज करते, फुल स्विंग, समर इज इन फुल स्विंग, मेरी टांग टूट गई है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस है, आई हैव ब्रोकन माई लेग, यह गाड़ी दिल्ली जाएगी, दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर दिल्ली, जी भर के खाओ, मतलब पेट भर के खाओ, हैव ए हर्टी मील, मेरा जूता काटता है, तो जूता काटने की होती पिंच, माई शू पिंचिज, जल्दी करो, हरी अप, दियासलाई जलाओ, दियासलाई माचिस को बोलते हैं, स्ट्राइक द मैच, खाना परोसो, ले द टेबल, उसकी मुट्ठी गर्म करो, मुट्ठी गर्म करने को बोलते हैं कुछ रिश्वत देना, ग्रीज हिज पाम, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मुझे जाने दो, लेट मी गो। ये आपको कुछ डेली यूज में काम आने वाले सेंटेंसेस बताए गए हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ देम आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और जैसा कि आपको बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं, इनमें सब्जेक्ट हिडन होता है, बट सारे इम्पेरेटिव नहीं है, कुछ दूसरे भी है, सिंपल सेंटेंस भी है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करके, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, या स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, ये सभी के काम में आने वाली चीजें हैं।
तो सब इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी लाइफ में काफी बेनिफिशियल रहेगा और इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।